सतना में नगर निगम चुनाव महापौर पद के लिए पर्चा दाखिल करने से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। टिकट मांग रहे पार्टी के कद्दावर नेता सईद अहमद ने 500 समर्थकों के साथ कांग्रेस का साथ छोड़कर बीएसपी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही उन्होंने बतौर बीएसपी प्रत्याशी शहर संग्राम में ताल ठोक दी है। साथ ही पूर्व जनपद अध्यक्ष जींदलाल पटेल और कांग्रेस के 3 पूर्व पार्षद भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीएसपी की सदस्यता ले ली है। आपको बता दें कि सईद अहमद का कांग्रेस से 72 साल का गहरा नाता रहा है। इनके पिता बैरिस्टर गुलशेर अहमद पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और खुद सईद अहमद 2003 में कांग्रेस का सरकार में राज्य मंत्री रहे। लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद पार्टी से इस बात की नाराजगी थी कि पिछले कई चुनावों में उनकी उपेक्षा की गई। 2003 के बाद उन्हें पार्टी में ना तो कोई महत्वपूर्ण पद दिया गया, ना ही चुनाव में टिकट दी गई। इस बार भी जब महापौर के टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस को अलविदा कर भारी संख्या में समर्थकों के साथ बीएसपी का दामन थाम लिया है। आज शाम बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सईद अहमद को सतना नगर निगम चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। चुप हो जाओ, बंद कर दो। चलिए भाई, तो बोलिए। भाइयों, आज हमने जो है प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और कांग्रेस की प्रथम सदस्य से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के कारण ये था कि हमारा परिवार पिछले 70 सालों से इस कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है। मेरे वालिद साहब स्वर्गीय बैरिस्टर गुलशेर अहमद मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, स्पीकर रहे और राज्यपाल के जैसे पद को उन्होंने सुशोभित किया। लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि पिछले 15-20 सालों से मैं कांग्रेस का सदस्य रहा और हर बार जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव आता था तो मैं पार्टी में अपनी तरफ से आवेदन करता था और उनसे विनय करता था कि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को पार्टी कुछ तवज्जो दे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कमलनाथ जी ने इसकी परवाह नहीं किया और मात्र संगठन में ही मुझे लगाए रखा। पिछले दिनों जयपुर में जो राजस्थान में जो जोधपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पार्टी ने यह तय किया था कि एक व्यक्ति एक पद पे ही रहेगा और उसके परिवार को उसमें प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन कमलनाथ जी ने इन सब बातों को दरकिनार करके जो यहाँ पे ऑलरेडी 4 साल से 3.5 साल से विधायक है उन्हीं को जो है महापौरी के लिए उन्होंने टिकट दे दिया। हमारे बहुत से कांग्रेस के साथियों ने महापौर के लिए अपना पार्टी से प्रत्याशा किया था कि उनको टिकट मिला जाए, लेकिन जो राजस्थान में पार्टी ने हमारे AICC ने जो पारित किया था उसको कमलनाथ जी ने दरकिनार करते हुए एक ही व्यक्ति को ये पद दे दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सतना जिले में कांग्रेस के नेताओं की कमी है?